तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं Car for Sale Simulator 2023। तो पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने निसान GTR से ड्रैग रेस की थी और बहुत सारे ड्रैग रेस हम लोगों ने जीती थी $1 million। ओके, तो आज के इस पहले वीडियो में हम लोग एक काम करने वाले है। अभी आप लोग देख सकते हो आपके सामने जो कार है ऑडी R8, इसके जैसे हम लोग 10 कार परचेस करने वाले हैं, ओनली ऑडी R8 सुपर कार। ओके, सो आज के इस वाले वीडियो में यही हम लोग करने वाले, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और जो बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि जो आने वाले मेरे नए नए वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, ऑडी R8 आई थिंक सो हम लोग को ज्यादा महंगे पड़ने वाली है। अगर ये $2 million के अंदर हम लोग को मिल गए तो बढ़िया बात होगी, वरना हम लोग हमारी जो लैम्बोर्गिनी और जो ये मर्सिडीज या फिर फरारी, इसके बदले में हम लोग इसे बेच देंगे और इससे और ज्यादा पैसे कमाकर हम लोग इन कार को परचेस करने वाले। ओके, तो फटाफट से अभी ऑफिस को ओपन कर लेते हैं और फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ऑडी R8 हम लोग को कार ऑक्शन या कार मार्केट में ही मिलने वाली है, नेबरहुड में हम लोग को ऑडी R8 नहीं मिलने वाली। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो फटाफट से चल लेते हैं अभी सोने के लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए कार मार्केट या फिर कार ऑक्शन ओपन नहीं हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ सोना है। यार मैं कार मार्केट क्यों आया, तो फटाफट से चल लेते हैं अभी कंटेनर के पास और फटाफट से जाकर सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक बार सुबह हो चुके और आप लोग देख सकते हो कि कार मार्केट प्लेस ओपन हो चुके हैं। तो फटाफट से निकल लेते हैं अभी कार मार्केट की तरफ और देखते हैं आज के दिन यहाँ पर कोई ऑडी R8 आई हुई है या फिर नहीं। अगर आई होगी तो हम लोग फटाक से इसे परचेस कर लेंगे। ओके, यहाँ पर तो सिर्फ फरारी है तो नहीं आई है। ओके, तो फाइनल गाइस हम लोग आ चुके कार मार्केट की तरफ। अभी आप लोग मेरे सामने देख सकते हो हम लोग को हमारी जो फर्स्ट ऑडी R8 है वो मिल चुकी है। तो फटाफट से अभी इस मैडम जी से बात करके देख लेते हैं ये हम लोग को कितने में देना चाहती है। 26% डैमेज है तो तुझे कम देना चाहिए यार, 4,49,000 तो ज्यादा ही मांग रही है, तुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा कर रही है। सो आई थिंक सो हम लोग इससे एक काम कर रहे थे, 3,80,000 पूछ लेते हैं। ओके, तो मैंने इससे 3,80,000 पूछ लिया है एंड इसने हम लोग को 3,80,000 में ये वाली ऑडी R8 दे दिया और हमने फर्स्ट कार परचेस कर ली। ओके, सो फटाफट से इसको बेच देते हैं हम लोग रिपेयर वन पर, क्योंकि हम लोगों को इसे रिपेयर भी करवाना है। और यहाँ पर आप लोग देखते हो टेस्ला वगैरह भी आई थी, बट अभी हम लोगों को सिर्फ चाहिए ऑडी R8। ओके, तो फटाफट से चल लेते हैं अभी ऑफिस की तरफ और उसको रिपेयरिंग के लिए भी डाल देते हैं फटाक से। ओके, सो फटाफट से अभी इससे बात कर लेते हैं और ये ले भाई $520 और फटाफट से हमारी जो ऑडी R8 है उसको ठीक करवा कर दे दे, यही देखने के लिए कार ऑडी R8 यहाँ पर आई हुई है, बट यहाँ पर कोई ऑडी R8 वगैरह नहीं है। तो फटाफट से एक बार नेबरहुड जाकर देख लेते, अगर नेबरहुड में आप लोगों को कार मिल गई तो बहुत बढ़िया बात होगी ना। ओके, तो फटाफट से अभी निकल लेते यहाँ से नेबरहुड में। ओके, सो फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका अपने नेबरहुड में, अभी जाकर एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई ऑडी R8 वगैरह आई हुई है। मुझे तो नहीं लगता यार कि ऑडी R8 हम लोगों को नेबरहुड में मिलेगी। ओके, तो पहले तो इस तरफ देख लेता हूँ। ओके, इस तरफ तो कोई कार नहीं है जिसे हम लोग परचेस कर पाएंगे। ये वाली कार कौन सी है, यहाँ पर एक छुपकर कार है। ओके, सस्ती सी कार है, मुझे इससे नहीं बाय। आ जा भाई, तेरे को ही जल्दी है ना, जा फटक से। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर जाकर देख लेते हैं यार ऑडी S5 कितनी मिलती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर भी कोई कार नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पर जाकर देख लेते हैं। नहीं गाइस, नेबरहुड में हम लोग को नहीं मिलने वाले। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को ओनली कार मार्केट या फिर कार ऑक्शन में वो वाली कार मिलने वाले। तो फटाफट से जाकर अभी सो जाते हैं। फिर से आया हुआ हूँ कार मार्केट पर और यहाँ पर एक और ऑडी R8 हम लोगों को दिखाई दे चुकी है। यार ऑडी R8 सिर्फ एक ही दिखती है यार, नहीं तो जो बाकी कार से वो दो दो तीन तीन भी एक बार में दिख जाते। ओके, तो फटाफट से इस मैडम जी से बात करके देख लेते हैं। यार भाई तेरे 42% डैमेज, 6,13,000, थोड़ी भी शर्म है तेरे को, थोड़ी भी। इससे बार्गेनिंग करके अभी इसे पूछ लेता हूं, 3,00,000 रुपीस। ओके, थोड़ी महंगी तो भाई 4,00,000 भाई ले ले, 4,50,000 हम लोगों को कैसे भी करके परचेस करनी है ना इस वजह से। अभी यार ये तो न्यू दे दे भाई। ओके, सो फाइनल गाइस ये वाली कार हम लोगों ने 6 लाख में परचेस किया, अभी कुछ नहीं कर सकते गाइस, ये बार्गेनिंग करके भी मतलब ये नहीं हो रहा है। तो फटाफट से इसको देते हम लोग रिपेयर टू शॉप पर और फटाफट से अभी यहाँ से चल लेते हैं हमारे ऑफिस की तरफ, क्योंकि मुझे उसे रिपेयर भी करवाना है यार। उस पर अभी मुझे खर्चा भी बैठने वाला है यार, 42% डैमेज, उसके ऊपर मैंने 6,00,000 की उसे परचेस किया है। ओके, सो फटाफट से अभी इससे बात कर लेते हैं और ये ले भाई $840। तुम लोग तो मुझे लुटने के लिए यहाँ पर बैठे हुए है ना, तो फटाफट से इसको पार्क कर लेते हैं। ओके, समथिंग यहाँ पर मैं इसे पार्क करने वाला हूँ। तो अभी हमारे पास 2 कार तो हो चुके, अभी बचे हुए ओनली 8 कार, तो अभी देखते हैं कब तक हम लोग को वो वाली कार मिलती है। सो ओके, फिलहाल के लिए अभी आप लोग देख सकते हो हमारे पास ओनली $1 million और उसके ऊपर $2,00,000 बचे हुए है। अगर हम लोगों ने ऐसे मतलब महंगे महंगे कार परचेस कर ले तो हमारी ये जो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अभी हम लोग काम कर लेते हैं, जो निसान GTR उसको लेकर चल लेते हैं ड्रैग रेस के लिए और थोड़ा बहुत इससे पैसा कमा लेते हैं ताकि हम लोग और ज्यादा मतलब कार परचेस कर पाए।
अगर मैं ऐसे 4 लाख 6 लाख डॉलर के अगर कार परचेस करता रहा तो ये 2-3 कार में मतलब हमारे जो 1 मिलियन डॉलर से खत्म हो जाएगा यार आसानी से। ओके सो फिलहाल आप लोग देखो मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ और सामने एक मस्टैंग, तो मस्टैंग से मैं रेस करने वाले थे फटाफट से, अभी इससे बात कर लेते हैं, 2 लाख डॉलर दे रही है तो फटाफट से भाई रेस कर लेते हैं। ओके सो गाइस अभी आप लोग देखो तो मैं आ चुका हूँ कार टूर्नामेंट पर हमारे निसान GTR को लेकर और अपोनेंट है हमारे फोर्ड मस्टैंग। देखते हैं इस बार कौन सी कार जीतती है, ऑब्वियसली हमारे कार जीतने वाली है। सो अभी देखते हैं, इंजन को अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, गियर अप कर लेता हूँ फटाक से और कैमरा भी चेंज कर लेता हूँ। ओके सो फटाफट से अभी मुझे जितने से ड्रैग रेस हो अभी मुझे जीतने हैं। ओके दूर दूर तक मुझे दिखाई भी नहीं दे रही यार मस्टैंग। ओके सो फाइनली आप लोग देखते हैं जैसे मैंने 4 लाख डॉलर जैसे कमा लिए हैं, अगर मैंने 2-3 मतलब मैचेस जीते ना गाइस तो हम लोग सीधे सीधे 1 मिलियन डॉलर भी कमा सकते हैं यहाँ से। ओके सो फिलहाल आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक आज के फरारी तो अभी इससे बात कर लेते हैं यार, ये 3,60,000 देने के लिए रेडी, तो हम लोग रेस करने के लिए रेडी है। ओके ले जा भाई 3,60,000, बाद में तुझे इसके मुझे डबल देने पड़ेगी, पता है ना कौन जीतने वाले। ओके सो आप लोग देख सकते हो फिर से आ चुका हूँ मैं निसान GTR वर्सेस फरारी। तो एक साथ हो गए थे बट भाई निसान GTR है, निसान GTR के सामने कोई नहीं टिक सकता, 7,20,000 हम लोगों ने यहाँ से कमा लिए है। ओके सो फिलहाल आप लोग देख सकते हो मेरे पास हो चुके 1 मिलियन के ऊपर और अभी फटाफट से अभी इससे बात कर लेते हैं, ये ले भाई 1,81,000, अभी देखते हैं हम लोग ये वाली भी रेस जीत पाते या फिर नहीं। आई थिंक सो जो हम लोगों ने फर्स्ट बार सुपर से मतलब इसके साथ रेस की हुई है मैंने, जो अभी हमारे पास अपोनेंट में जो कार आई है इससे, बट उस टाइम में हार गया था हमारे सुपर के मदद से गलती से, मुझे पता नहीं था कि इसमें गियर हम लोगों को मैन्युअली शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैं हार गया था भाई। अभी तो नहीं हार पाएगा मतलब तू नहीं जीत पाएगी यार, चल तेरे लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला। 3, 2, 1। ओके सो फाइनल गाइस हम लोगों ने 3,63,000 यहाँ से कमा लिए हैं। ओके सो फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो कि ड्रैग रेस ऐसे खत्म हो चुका है और अभी आप लोग देख सकते हो हमारे पास समथिंग 2 मिलियन डॉलर होने वाले, तो फटाफट से चल लेते हैं अभी सोने के लिए क्योंकि अभी हमारे पास कोई कार मार्केट भी ओपन नहीं है और कार ऑक्शन भी ओपन नहीं है जहाँ से हम लोग ऑडी आर परचेस कर पाए। ओके तो फटाफट से निकल लेते हैं यहाँ से कंटेनर में सोने के लिए। फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते मैं आ चुका हूँ हमारे कंटेनर के पास, तो फटाफट से इसको यहाँ पर पार्क कर देते हैं और फटाफट से जाते हैं सोने के लिए। देखते आज के दिन हम लोगों ने कितना ज्यादा कैश कमा लिया है। ओके सो आप लोग देख सकते 7,42,500 डॉलर कमा लिए आज के दिन। ओके तो फिलहाल आप लोग देख सकते कार मार्केट प्लेस भी ओपन हो चुका है और हमारी जो निसान GTR कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी, तो फटाफट से पहले तो इसको मैं वॉश करवा लेता हूँ। ओके सो फाइनली मैंने अपनी निसान को एकदम क्लीन करवा दिया, तो फटाफट से ऐसा निकल लेते हैं अभी कार मार्केट की तरफ, अभी देखते हैं हम लोग को वहां पर ऑडी आरेट वगैरह मिलती है फिर नहीं। ओके सो आप लोग देख सकते सामने मुझे एक ऑडी आरेट तो दिख चुकी है, सो फाइनली इस बार लक हमारा अच्छा साबित हो गया, तो फटाफट से ऐसे चल लेते हैं इसको परचेस करने के लिए। एक ही ऑडी आरेट आई है और यहाँ पर एक सुपरा भी आ चुकी है आप लोग देख सकते हो। ओके तो फटाफट से अभी इस मैडम जी से अभी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये 26% डैमेज है, अभी ये 4 लाख में मांग रहे थे, तो हम लोग इससे 3,50,000 में एक बार पूछ लेते हैं फटाक से। ओके तो मैंने इससे 3,50,000 ऑफर तो कर लिया है और फाइनली इसने हम लोग को दे दिया 3,50,000 ये वाले ऑडी आरेट और इसके जो अलॉय व्हील बहुत ही प्यारे है, मुझे इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, तो फटाफट से इसको भेज देते रिपेयर वन शॉप पर और फटाफट से ऐसे निकल लेते अभी ऑफिस की तरफ क्योंकि मुझे उससे रिपेयर भी करवाना है। तो भाई चल निसान जोटी और मुझे फटाफट से लेकर चल हमारे ऑफिस के पास। ओके सो फिलहाल आप लोग देख सकते मैं इसको लेकर आ चुका हमारे ऑटो रिपेयर के पास, तो फटाफट से लेते और जो हमारी ऑडी आ रहे थे उसको ठीक करवा देते। ओके एक कार तो मैंने यहाँ पर बाहर ही लगा दिए, आई थिंक सो इसे रिपेयर करवाने, यस इसे 520 डॉलर दे देते फटाफट से और आई थिंक सो इसका काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो फटाफट से इसको लेकर चल लेते बाहर की तरफ और इसको भी मैं यहाँ पर पार्क करने वाला हूँ समथिंग कुछ इस प्रकार से, तो फटाफट से अभी चल लेते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए अभी आप लोग देख सकते यहाँ पर मैं आया था कार ऑक्शन में और मुझे यहाँ पर एक और Mazda X7 दिख चुकी है, तो हम लोग इसे परचेस करने वाले है, मैं इसे छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ये और ज्यादा महंगे प्राइस पर बिक सकती है। तो ओके फटाफट से अभी चल लेते हैं
और यहाँ से टिकट को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक माजडा X7 बट वो हम लोग खुद के लिए रखने वाले, और इस जो माजडा X7 है जो अभी हम लोग को दिखाई दी है हम लोग उसे सेल कर देंगे फटाक से। ओके तो फाइनल गाइस मैंने यहाँ से टिकट तो परचेज कर लिया। ओके तो फटाफट से यहाँ पर जाकर अभी बैठ जाते हैं। आप लोग देख सकते यहाँ पर अभी कोई कस्टमर ज्यादा आए नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी 2 बजने के लिए टाइम है। फिलहाल के लिए अभी आप लोग देख सकते ओनली 10 सेकंड बचे हुए कार ऑक्शन स्टार्ट होने के लिए, और जो फर्स्ट कार है वो हमारी माजडा X7 है। तो देखते हैं अब हम लोग को वो कितने में पड़ती है। ओके तो फाइनल गाइस माजडा X7 बाहर आ चुके हैं और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 3,60,000। ओके तो हम लोग इसे परचेज कर पाएंगे, तो फटाफट से हम लोग एक काम कर लेते हैं 7,000 इसके ऊपर बढ़ा लेते हैं, और 7,000 बढ़ा लेते हैं ये ले भाई, और 7,000 4,54,000 मुझे 5,00,000 के ऊपर इसे नहीं लेकर जाना है, और ले 7,000 यार भाई ये 5,00,000 के ऊपर चली गई यार क्या करूं, ये ले 21,000 और एक्स्ट्रा ले ले चल। ओके तो फाइनल गाइस हम लोगों को ये माजडा X7 मिल चुके 5,41,000 में। ओके यार पैसा तो बहुत ज्यादा चला जा चुका है, पता नहीं क्यों मैंने इसे परचेज किया, आई थिंक मुझे इसे बेचना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए नहीं बेचूंगा, फिलहाल के लिए मेरे पास $1 million बचे हुए हैं, हम लोग और भी कार रेस से मतलब पैसा जीत सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल के लिए अभी आप लोग देखो कार ऑप्शन यहाँ पर बंद हो चुका, और ये रही हमारे माजडा X7। सो हम लोग इसे यहाँ पर ही रहने देते हैं, यार भाई अचानक से क्यों चलने लगती है। ओके गाइस अभी एक काम कर लेते हैं, अभी मैं ढेर सारे ड्रैग रेस जो है मैं अभी जीतने वाला हूँ हमारे निसान GTR की मदद से, अभी थोड़े और मतलब पैसे कमाता हूँ उसके बाद में आप लोगों को मिलता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि $1 million में हमारे पास मतलब 7 कार आ जाएंगे 7 कार, क्योंकि फिलहाल के लिए आप लोग देखते हो हमारे पास ओनली 3 ही ऑडियो R8 आ चुके हैं। सो अभी देखते हैं कब तक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो जाते हैं, तो अभी फटाफट से अभी जाता हूँ ड्रैग रेस जीत कर ढेर सारा पैसा कमा कर आ जाता हूँ। ओके One eternity later. So, okay, फिलहाल के लिए अभी आप लोग देखते हो मैंने यहाँ पर $6 million कमा लिए है हमारे निसान GTR के मदद से ड्रैग रेस पर, हम लोगों ने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए। आप लोग देखते हो $7 million कम्प्लीट होने ही वाली है। मैं यहाँ वहाँ घूमता रहा कार बस से मतलब देखता रहा कि कब तक हमारे जो ऑडियो आ रहे थे वो आते हैं। फिलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ कार मार्केट की तरफ, और फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है एक ऑडियो R8, तो फटाफट से अभी इससे परचेस कर रहे थे। अभी हम लोग 7 कार को परचेस कर सकते हैं, यार ये 61% डैमेज और 4,28,000 मांग रहे, चलिए 3,50,000 में इसको ऑफर करने वाला हूँ। 2,50,000 ये तो मानेगा ही नहीं, 3,50,000 चल। ओके तो मैंने इसे 3,50,000 ऑफर कर लिया है, और इसने हम लोग को दे दिया ये वाली कार 3,50,000 में ऑडियो, तो फटाफट से इसको भेज देते रिपेयर टू शॉप पर, और फटाफट से अभी चल लेते हैं हमारे ऑफिस की तरफ, क्योंकि मुझे उसे रिपेयर भी करवाना है। यार मैं इस वाले डोर पर क्यों जा रहा हूँ, मुझे इस वाले डोर पर जाना है। ओके तो फटाफट से अभी निकल लेते हैं हमारे ऑफिस के पास। सो के फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं मैं लेकर आ चुका अपने इस निशान को हमारे रिपेयर शॉप पर, तो फटाफट से अभी चल लेते हैं। एक कार आई थिंक हमारी रिपेयर हो चुकी होगी, आई थिंक ये वाली कार थी। ओके अभी इसमें दिक्कत है, तो अभी इसे रिपेयर कर देते यार 1,200 ये ले भाई, और फटाफट से उसको ठीक करवा दे, तब तक मैं इस कार को पार्क करवा कर आ जाता हूँ। ओके मैं फिर से यहाँ पर इसे पार्क कर देता हूँ, ये जगह थोड़ी खाली है इस वजह से। ओके फटाफट से मैंने इसे यहाँ पर पार्क कर दिया है, तो अभी देखते हैं इससे टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर गाइज नेबरहुड में ऑडी R8 आती ना, तो गाइज हम लोग फटाक से वापस से परचेस कर लेंगे। ये कार मार्केट मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार ओपन होता है, और कार ऑक्शन 3 बार ओपन होता है। ओके सो अभी जाकर सो जाते, हमारे पास यही अभी एक काम बचा हुआ है। फिलहाल अभी आप लोग देख सकते यहाँ पर एक और आ चुके ऑडी R8। यार मुझे 243 डेज स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगभग मतलब 10 दिन के गैप के बाद गाइज मुझे एक कार मिलती है। आप लोग सोच सकते हो कि मुझे कितना ज्यादा टाइम लग चुका है, और जो भी कार मिलती है बहुत ही ज्यादा डैमेज कार मिलती है। यार अभी क्या करूं, बार्गेनिंग करके देख सकते हैं। अभी ये 3,93,000 मांग रहा है, तो हम लोग इसे 3,50,000 में ही पूछ लेते हैं फटाक से। ओके सो फाइनल गाइस इसने हम लोग को दे दिया 3,50,000 में ये वाली ऑडी R8, तो फटाफट से अभी इसको भेज देते हम लोग तो कर देते। आई थिंक वहां पर कोई कार आई होगी रिपेयर करने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हो एक ऑडी R8 भी है, बट ऑडी R8 की हम लोग को जरूरत नहीं है, तो फटाफट से अभी निकल लेते हैं अभी ऑफिस की तरफ। ओके तो आप लोग देख सकते ये रही हमारी ऑडी R8, तो फटाफट से को लेकर चल लेते हैं रिपेयर शॉप के पास, और इसको भी अभी मुझे रिपेयर करवाना है। ओके सो इसको मैं यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, और इसको भेज देते हम लोग रिपेयर वन शॉप पर, और फटाक से इसको दे देते इसके $1,020 भाई, फटाफट से इसको ठीक करवा कर देते। और ये कार आई थिंक ठीक हो गई होगी, एक बार पूछ लेते। ओके सो फटाफट से इसको भी अभी मुझे भारी पार्क करवाना है। ओके सो फिलहाल के लिए अभी आप लोग देख सकते हमारे पास कम्प्लीट हो चुके 4 कार 4 कार, अभी अंदर जो है वो 5 कार हो चुके, मतलब ओनली अभी 5 कार से अभी हम लोग को परचेस करना है, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो प्लीज गाइस इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए तो,
और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो ओके, फिलहाल के लिए अभी आप लोग देख सकते हो मैं कार ऑक्शन की तरफ आ चुका था और आप लोग देख सकते यहाँ पर एक ऑडी R8 आ चुकी है फाइनली गाइस। कितने दिनों के बाद मतलब ऑडी R8 कार ऑक्शन में आई, तो फटाफट से अभी टिकट परचेस कर लेते और यहाँ पर बैठ जाते क्योंकि 12 बजे कार ऑक्शन ओपन होने वाले, तो कभी भी बस सके। अभी आप लोग देख सकते 8 बज चुके हैं, तो फटाफट से इसको यहाँ पर पार्क कर देते और फटाफट से जाकर यहाँ से टिकट परचेस कर लेते ओके, और यहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। कार ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर आ चुके लॉर्ड एस्कॉर्ट क्लासिक। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाली जो कार है हम लोगों को उसे परचेस करना है, ऑडी R8 जो हमारी है उसे ओके। तो फाइनल गाइस अभी आप लोग देख सकते हो आ चुके हमारी ऑडी R8 और इसके स्टार्टिंग प्राइस है 3,86,000। तो अभी मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ 7,000 रुपीज और लगा देता हूँ $7,000 और ले ले भाई, एक प्राइस लगा दूंगा $30,000, अभी $23,000 ओके। तो फाइनल गाइस ये कार हो चुके हमारे नाम पर $4,95,108 में ओके। सो अभी देखते हैं कार ऑक्शन कब तक बंद होता है। यार स्किप करने का ऑप्शन इसमें चाहिए था यार ऑडी R8, तो फटाफट से इसको भेज देते हम लोग रिपेयर वन शॉप पर क्योंकि मुझे अभी इसे रिपेयर भी करवाने, तो फटाफट से अभी चल लेते सुप्रा के मदद से हमारे रिपेयर शॉप पर और इसको फटाक से अभी रिपेयर भी मुझे करवाना है ओके। सो मैं इसको यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, तो फटाफट से अभी चल लेते हैं ओके। आई थिंक सो ये वाली कार पूरी की पूरी ठीक हो चुकी होगी, यस अभी इससे बात करके देख लेते हैं। यार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छा हो गया यार, 0% डैमेज की हम लोगों को कार मिल चुकी है ओके। तो फटाफट से इसको मैं यहाँ पर पार्क करने वाला हूँ ओके। मैंने यहाँ पर इसे पार्क कर दिया, तो फटाफट से हमारे पास एक और ऑडी R8 है, तो उसका भी बाहर ही लेकर आ जाता हूँ ओके। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसे पार्क करने वाला हूँ, यहाँ पर इसे पार्क कर देते हैं। अभी कितने कार हो चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके गाइस, हमारे पास 6 कार कम्प्लीट हो चुके, अभी 4 ही बचे हुए। अभी देखते हैं कब तक हम लोगों को वो वाली कार मिलती है। आज के दिन बहुत ही थक चुका है गाइस, बहुत ही ज्यादा काम कर लिया है ओके। तो मैं आया था कार मार्केट की तरफ देखने के लिए, यहाँ पर कोई कार आई हुई है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आ चुके हमारी फेवरेट ऑडी R8। तो फटाफट से अभी इस बंदी से बात करके देख लेते हैं। मैडम जी बताइए कितने में देना चाहते हो, 25% डैमेज है, 4 लाख मांग रही है। तो हम लोग एक बार पहले तो इसे 3,30,000 पूछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3,50,000 पूछ लेंगे। ऑफर तो कर दिए ओके। तो फाइनल गाइस इसने हम लोग को दे दिए 3,30,000 में ये वाली कार, तो फटाफट से इसको भेजते रिपेयर वन शॉप पर। यार यहाँ पर तो दो मस्टैंग आए हुए थे, बट हम लोग उनको अभी परचेस नहीं करने फिलहाल के लिए कोई मस्टैंग वगैरह। तो फटाफट से अभी यहाँ से निकल लेते हैं ऑफिस के पास ओके। तो आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ हमारे रिपेयर शॉप के पास, तो फटाफट से अभी इसको रिपेयर पर डाल देते क्योंकि डैमेज भी कार थी ओके। तो फटाफट से ये ले भाई $500, फटाफट से मुझे इसे ठीक करवा कर दे दे। अभी देखते हैं इसमें कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, इससे पूछ लेता हूँ ओके। बैक बम्पर और फ्रंट फेंडर ही मतलब ठुका हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा फटाक से। थोड़ी देर तक यहाँ पर ही वेट कर लेते हैं और फिलहाल के लिए आप लोग देखते मेरे पास $5.4 million ही बचे हुए हैं ओके। 75, 78, 9 अभी कभी भी ठीक हो सकती है, तो फटाफट से पीछे की तरफ बढ़ लेते हैं और देखते हैं ओके। तो फाइनल गाइस इसने हमारी जो कार है वो ठीक करवा कर दे दिए, तो अभी फटाफट से अंदर बैठ जाते और लेकर चले जाते बाहर की तरफ इसे पार्क करने के लिए ओके। सो मैं इसे पार्क कर दिया है फिलहाल के लिए, आप लोग देख सकते हो ओके। फिलहाल के लिए अभी आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर 7 कार कंप्लीट कर चुके हैं, अभी बची हुए ओनली भी 3 कार्स ही लेफ्ट है। अभी देखते हैं कब तक हम लोगों को वो वाली कार्स मिलते हैं। देख सकते हो तो यहाँ पर एक और आ चुके ऑडी R8, तो फटाफट से अभी इस भाई साहब से बात करके देख लेते हैं ये हम लोगों को कितने में देना चाहते। 34% डैमेज है और 5,18,000 मांग रहा है, थोड़ी भी तेरे को शर्म है क्या, इसे चमाड़ मारूंगा ना तेरे को। 4,50,000 इसे ऑफर करके एक बार पूछ लेता हूँ ओके। तो फाइनल गाइस इसने हम लोग को दे दिए 4,50,000 में ये वाली ऑडी R8, तो फटाफट से इसको भेज देते हम लोग रिपेयर टू शॉप पर और फटाफट से चल लेते हैं हमारे ऑफिस के पास ओके। फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ हमारे ऑफिस के पास, तो फटाफट से जाकर अभी हमारे जो कार है उसको रिपेयर पर डाल देते फटाक से। ये ले $68,680 ओके। जब तक हमारी वो वाली कार ठीक हो रही है तब तक हम लोग एक काम कर रहे थे, फटाफट से जाते हैं हमारे निसान GTR को लेकर एक और ड्रैग रेस करने के लिए ओके। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ हमारे निसान GTR को लेकर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक और ऑडी R8 है, बट हम लोग इसे परचेस नहीं कर सकते यार, अभी क्या करूँ ओके। तो फटाफट से अभी इससे बात कर लेते हैं, ये यार ये हम लोग को 4,80,000 देने के लिए रेडी है, बट गाइस ऑडी R8 बहुत ही स्पीड कार है, तो फटाफट से अभी रेस कर लेते हैं। अगर गाइस हम लोग हार गए तो 4,80,000 हमारा लॉस हो जाएगा, अगर जीते तो हम लोग उसके डबल लेकर जा सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं निसान GTR वर्सेस ऑडी R8 होने वाले, तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीतने वाली है। वैसे तो हमारी कार जीतने वाली है, बट फिर भी बोलने में क्या जाता है ना। तो फटाफट से इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, कैमरे को चेंज कर लेते हैं और गियर को शिफ्ट कर लेते हैं, फर्स्ट गियर पर डाल लेते हैं। अभी हम लोग को जाने रेस लाइन पर ओके। 2, 1 भाई तू नहीं जीत पाएगी क्योंकि हमारे पास है निसान GTR।
ओके सो फिलहाल के आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से 9,60,000 डॉलर यहाँ से कमा लिए हैं, तो फटाफट से निकल लेते हैं ऑफिस के पास। ओके सो फिलहाल के आप लोग देख सकते हैं 5.5 मिलियन डॉलर कंप्लीट हो चुके थे, फटाफट से अभी चल लेते हैं हमारे ऑफिस के पास, क्योंकि हमारे जो वो वाली ऑडी आ रही थी वो अभी आई थिंक सो ठीक हो चुकी होगी, तो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। ओके सो फिलहाल के आप लोग देख सकते मैं आ चुका अपने रिपेयर शॉप के पास, तो फटाफट से इसको यहाँ पर पार्क कर देते हैं और फटाफट से चल लेते हैं अंदर की तरफ। हमारी जो ऑडी आ रही थी वो ठीक हो चुकी होगी, मतलब हमारे दो भी काम कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ऑडी आर एड भी ठीक हो चुकी है और पैसे भी हम लोगों ने ढेर सारे कमा लिए हैं। ओके तो मैं इसको यहाँ पर पार्क कर देता हूं, और भी मुझे फिर से गिनना पड़ेगा हम लोगों को कब तक वो वाली दो कार्स मिलती है, तो चल लेते सोने के लिए। फिलहाल के लिए अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक और आ चुके ऑडी आर एड, और इसे परचेस करने के बाद हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी 9 कार्स ऑडी आर एड की। अभी इस बंदे से अभी बात कर लेते हैं, ये बंदा तो खड़ा है, मतलब हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ रहता है, 4,69,000 मांग रहा है, तो हम लोग एक काम कर लेते 4,20,000 पूछ लेते एक बार इससे। ओके तो फाइनल गाइस इसने हम लोग को दी थी 4,20,000 में ये वाली ऑडी आर एट, तो फटाफट से एक काम कर लेते हैं इसको चला कर लेकर चल लेते हैं। इतने बार मतलब मैं बस से जाऊँ ना 10 डॉलर मतलब खर्चा कर करके आप लोग देखो कितने ज्यादा पैसे उड़ रहे हैं मेरे यहाँ से। ओके तो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। यार भाई साहब इसमें ड्रिफ्ट केट है, पक्का इसमें ड्रिफ्ट केट है, इस वजह से फटक से ड्रिफ्ट मार रही है, आई थिंक से बहुत ज्यादा ठुकी हुई है मुझे ऐसा लग रहा है। ओके सो आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इससे अपने रिपेयर शॉप पर लेकर, तो फटाफट से इसको भी भेज देते हैं रिपेयरिंग पर, तो भेज देते रिपेयर वन शॉप पर और फटाफट से चल लेते हैं और इस बंदे से भी बात कर रहे थे। ये ले भाई 1,680 डॉलर और ठीक करवा कर दे। आप लोगों ने देखा ना गाइस क्या क्या इसमें दिक्कत थी, आप लोगों को एक बार दिखा देते हो, आप लोग देख सकते सब कुछ अभी ठीक करना बाकी है। ओके सो अभी वेट कर रहे थे जब तक हमारी कार ठीक होती है तब तक। ओके सो फाइनल आप लोग जैसे तो इस बंदे ने हमारे जो ऑडी आ रहे थे उसको एकदम परफेक्टली ठीक करवा दिया, तो फटाफट से इसको लेकर चल लेते हैं और इसको भी मुझे भारी पार्क करना है। ओके सो फाइनल गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9 कार कंप्लीट हो चुके हैं और बची हुए ओनली 1 कार, अभी देखते हैं अभी फटाक से मिल जाए। यार बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका हूं गाइस इस चीज से, तो फटाफट से अभी चल लेते सोने के लिए, देखते हैं अभी हम लोग को लास्ट कार कब तक मिलती है, कार ऑक्शन में मिलती है या फिर कार मार्केट में ही मिलती है। देख सकते हो कि 271 डे स्टार्ट हो चुका है, इतने देर पर स्टार्ट किया और अभी 271 डे स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल के लिए आप लोग देखते हैं हमारे जो लास्ट 10वीं कार है ऑडी आर एट वो हमारे सामने है, तो फटाफट से अभी इस बात कर लेते हैं। 5,98,000 भाई अभी मैं ज्यादा बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, 5,50,000 में दे दे, तू भी खुश रहे और मुझे भी खुश रहने दे। ओके तो फाइनल गाइस जिसने हम लोग को दे दिया ये वाली लास्ट ऑडी आर एट, तो फटाफट से इसको लेकर चल लेते हैं हमारे शॉप के पास। आप लोग सोच नहीं सकते मुझे रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे कितना ज्यादा टाइम लगा है, समथिंग मुझे 4 घंटे की वीडियो अभी रिकॉर्ड हो चुके, सो अभी देखते हैं इसे एडिट करने में अभी मुझे कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके सो प्लीज इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर देना। ओके ओके सो फटाफट से इसको यहाँ पर पार्क कर देते हैं और इसको लेकर चल लेते हैं रिपेयर वन शॉप पर, आई थिंक सो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने चाहिए। ओके 480 डॉलर ये ले भाई और फटाफट से ठीक करवा कर दे दे। सो अभी हम लोग एक काम करने वाले जितने भी सारे कार थे उनको लेकर जाकर अभी मुझे ऑफिस के पास पार्क भी करवाना है, मुझे इसमें पेंट वगैरह ट्यूनिंग वगैरह कुछ नहीं करने में, इस तरह वैसे इनको बेचने वाला हूँ। ओके सो फटाफट से इसको यहाँ पर लेकर चल लेते हैं, कुछ इस प्रकार से मैं अभी सारे कार्स को अभी पार्क करने वाले एक साथ। अभी गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला क्योंकि 10 कार सुपर कार यहाँ पर मुझे इस लाइन से लगाना है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम तो लगने वाला है। ओके सो मैं ये इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ और फटाफट से मिलता हूँ आप लोगों को इसे पार्क करने के बाद ही। ओके द नेक्स्ट डे। सो फाइनली गाइस जो पार्किंग का काम था उसे मैंने स्किप कर दिया आपके लिए और मैंने पूरे के पूरे जो हमारे 10 कार्स है बढ़िया रेट सुपर कार उनको मैंने एक लाइन में लगा दिया है, और आप लोग बोल सकते हो कि आपने चीटिंग की, तो आप लोग देख सकते हो जो मेरे पर्सनल जो ऑडी आ रहे थे मैंने यहाँ पर पार्क करके रख दिए, आप लोग देख सकते हो, बाद में मत बोलना। ओके सो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ इन 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। सो एज यू कैन सी ये रही हमारे 10 ऑडी आर एट, तो आप लोग को गिन के भी दिखा देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने ये वाला भी टास्क कंप्लीट कर दिया है 10 ऑडी परचेस करने का। सो ओके गाइज आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो पसंद आ गई तो क्या करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और जो बाजू बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि जो आने वाले मेरे नए वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ओके थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, लीव अ लाइक एंड नमस्ते गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं भी आप लोगों को मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।